जैसे प्रिंटिंग के लिए आता है तो उसकी आउटलाइन जो बनती है ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर अपना शुगर और आयरन दोनों को मिक्स करके ये ब्लैक कलर बनाया जाता है, जिसको करीबन 1.5 महीने के आसपास इसको सड़ाया जाता है। और जब अपन प्रिंट, क्योंकि वो वाटर बेस होता है, इसको अपन प्रिंटिंग के लिए लाने के लिए इसमें गम यूज करते हैं। गम के साथ इसको जो वाटर होता है आयरन और शुगर का, उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को हम साथ जिसको तरी बोलते हैं, उसमें डाल के ब्लॉक की सहायता से, जो लकड़ी के बने हुए होते हैं उसकी सहायता से इसके ऊपर आउटलाइन बनाई जाती है। तो ये जागरी जैसा और क्या क्या चीज़? आयरन, ओके, आयरन दोनों को मिलके उसको 1 महीने से 1.5 महीने तक हम गलाते हैं, जिससे क्या जो आयरन होता है उसका जंग है ना जो निकल जाए, आयरन का जो जंग होता है वो निकलने के बाद इसका ब्लैक कलर तैयार होता है। ऐसे ही रेड कलर हमारे यहाँ बनता है, तो रेड कलर जो एलम जिसको फिटकड़ी हिंदी नाम है उसको गम को मिक्स करके उसको रेड कलर बनाया जाता है। यूजली रेड कलर प्रॉपर बॉइलिंग के साथ ही रेड कलर रहेगा, जब तक हम इसको 100 डिग्री के ऊपर बॉइल नहीं करेंगे, आल की छाल जिसको बोलते हैं उसको मिक्स करके जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक रेड कलर नहीं आएगा ना ही रेड कलर।